नमस्कार किसान भाई साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दलोदा मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं कृष्ण पाटीदार। दोस्तों, दिन आज का 2 जून 2023 का वीडियो के एंड में आपको मंडी की स्थिति देखने को मिलेगी, जो मंडी के अंदर हालात और आवक हमें देखने को मिली है, जो किस प्रकार की स्थिति है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। दोस्तों, वीडियो के एंड में वो जानकारी दी है। और एक लोट फर्स्ट क्लास माल 13,600 रुपये प्रति क्विंटल जी टू लहसुन की क्वालिटी जो भी की है, वो भी मैंने आपको क्वालिटी के अनुसार इस वीडियो के माध्यम से वो लोड बताए। उन्हीं किसान भाई के दो लोड थे, दोनों क्या भाव पर बिके आज मंडी के अंदर, वो जानकारी मैंने आपको पूरी है और इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को जरूर मिलेगा। अगर आप कल के लिए मंडी में आना चाहते हैं, कल शनिवार का दिन है, मंडी चालू रहेगी, कल के लिए अगर आप मंडी में आना चाहते हैं दोस्तों, तो उसकी कुछ स्थिति मैंने आपको जो मंडी की देखने को मिल रही है पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से बताई है। तो वीडियो आप आखिरी तक जाइएगा ताकि आपको उसकी पूरी जानकारी मिल पाए। मेरी जानकारी दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पहली बार जानकारी देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि दोस्तों आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सभी किसान भाई जल्द से जल्द सारी जानकारी दलोदा मंडी से देख पाए। लहसुन की फर्स्ट क्लास क्वालिटी आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक्स्ट्रा साइजेस में माल आपको बता रहा हूँ दोस्तों। पर्दा फिनिशिंग किसी भी मामले में कोई कमी इसके अंदर देखने को नहीं मिली है। ये 13,600 रुपये प्रति क्विंटल आज मंडी के अंदर बिका है। जो क्वालिटी दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, ये साइज़ का माल आपको देखने को मिलेगा। पर्दा फिनिशिंग के मामले में भी गजब है दोस्तों, ये साइज़ क्वालिटी है। और ये पूरा लोड 4 बुक्स का आया हुआ जो मैं आपको बता रहा हूँ। 13,600 रुपये प्रति क्विंटल आज मंडी के अंदर बिका है, 13,600 रुपये प्रति क्विंटल। और ये भाई साहब है हमारे, कहाँ से हो भाऊ जी? मावता से। मावता, कई बार बिके लहसुन? 13,600। कितने बॉक्स लाए? 4। क्या नाम है आपका? दिनेश पाटीदार। दिनेश जी पाटीदार भैया, आपने आज मंडी के अंदर और जो क्वालिटी लाए थे वो क्या भाव में बिकी आज मंडी के अंदर? कितने? 13,900। और एक 13,600, दो ही लोड थे। कौन सी लहसुन है? ये जीटू। काई की है, कैरी की है या बेट की है? कैरी की है। चलता हूँ, सबसे पहले बात करते हैं नीलामी की स्थिति की। तो दोस्तों, नीलामी कार्य जो मंडी के अंदर आज की दिन भर में जो भी माल आया है दोस्तों, इवस्मी भी ताज़ा माल जो मंडी के अंदर आज का हमें देखने को मिल रहा है वो भी ज़्यादा नहीं है। जो मेरे पीछे आप कुछ इक्का दुक्का लोट देख रहे हैं, यही माल जो ताज़ा मंडी के अंदर आया हुआ है वही है। बाकी नीलामी कार्य इसके अंदर पूरा हो चुका है, बल्कि कुछ है जो नाम मात्र वाला नीचे वाला शेड आपको देखने को मिलेगा इसी प्लेटफॉर्म के नीचे, जो कि स्थिति अभी 10 से 15 मिनट के बाद में ऊपर की ओर नीलामी कार्य चल रहा है, जो कि फर्स्ट वाला प्लेटफॉर्म की स्थिति आपको देखने को मिलेगा। उस साइड में अभी नीलामी कार्य चालू है, मात्र 5 से 10 मिनट नीलामी कार्य चले, इतना माल उधर बाकी है, शेष है। और उसके बाद में नीलामी कार्य इधर ही आएगा दोस्तों, जो कि मैं आपको पूरी जानकारी प्रदान कर देता हूँ। जो स्थिति इसके अंदर हमें देखने को मिली, इधर भी माल अभी नीलामी कार्य बाकी है दोस्तों, जो कि रिपोर्ट में आपको जानकारी प्रदान कर रहा हूँ, ये लगभग 4:45 तक की स्थिति है। तो दोस्तों, मंडी के अंदर आज की डेट में जो भी लहसुन मंडी के अंदर है वो लगभग पूरी तरह से सारा नीलामी कार्य पूरा हो जाएगा। जो मंडी की एंडिंग नीलामी टाइमिंग है, तब तक अगर नीलामी कार्य पूरा चलता है तो सारा लहसुन जो भी मंडी में आज पड़ा है वो लगभग सारा नीलामी कार्य उसका पूरा हो जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं मंडी के अंदर आने की स्थिति। तो मंडी में प्रवेश जारी है, क्योंकि गेट लगा नहीं, उतनी ज़्यादा आवक मंडी में आज देखने को मिली नहीं है। मैंने आपको सुबह ही बताया था कि आवक किस प्रकार की थी, तो अभी आवक उतनी नहीं है मंडी के अंदर, माल भी ज़्यादा नहीं है। जिस प्लेटफॉर्म में मैं खड़ा हूँ उसी के अंदर माल काफ़ी शेष बचा है नीलामी कार्य सोना। कुछ फुटेज उसकी भी आपको बता देता हूँ दोस्तों, जिधर अभी नीलामी कार्य चलेगा और उधर जी एंडिंग होगी उसकी स्थिति भी आपको कुछ देखने को मिल जाएगी। जो अब मेरे पीछे की स्थिति आप देख पा रहे हैं, इधर नीलामी कार्य अभी चलेगा। तो दोस्तों, अब की जानकारी लेंगे कल की। तो कल का शनिवार का दिन है, माह का पहला शनिवार है दोस्तों, तो मंडी पूर्ण रूप से चालू रहेगी दोस्तों। अगले दिन रविवार है, मंडी का ऑलरेडी अवकाश रहता ही है, तो कल मंडी चालू रहेगी। जिसके लिए कोई भी किसान भाई मंडी माना चाहता है, तो ये आज की स्थिति पूरी, शाम तक जो मंडी का नीलामी कार्य होगा पूरी तरह से नीलाम हो जाएगा लहसुन का, जो मंडी के अंदर सारा हमें देखने को मिल रहा है, ये पूरी स्थिति मैंने आपको बता दी है। 10 से 15 मिनट का नीलामी कार्य उधर और शेष है, यानी कि फर्स्ट मंडी या सेकंड जो मंडी अभी चलेगी, इसके बाद में थर्ड मंडी में नीलामी कार्य, उसके अंदर ये सारा नीलामी कार्य कंप्लीट हो जाएगा। अब अपना निर्णय आप खुद लीजिएगा दोस्तों, मंडी आने या न आने का। मंडी के अंदर की जो स्थिति थी वो मैंने आपको बताई है, समझता हूँ। और पूरी जानकारी अगर आपको पसंद आई होगी दोस्तों, ये मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि अगर पसंद आई जानकारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, पहली बार जानकारी देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सभी किसान भाई दलोदा मंडी से सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से आपको जरूर देखने को पूरी मिलेगी।